हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आप जानते होंगे कि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे ज्यादातर ऐसी इन्फॉर्मेशन पर मैं ध्यान देता हूँ जहाँ पर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डाउट होते हैं, तो जितने भी डाउट आपके होंगे वो सभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो 22/4/2022 से स्टार्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं। आप फॉर्म फिल अप्लाई कर सकते हैं, आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट 21/5/2022 रखी गई है। कहने का मतलब यह है आपको पूरा एक मंथ दिया जाएगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं पोस्ट की और क्वालिफिकेशन के बारे में। तो ऑपरेशन टेक्नीशियन की अगर बात करते हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए आपका केमिकल में। टोटल वैकेंसी 94 है, कैटेगरी वाइज यहां पर डिवाइड की गई है। आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डाउनलोड कर देख सकते हैं। बॉयलर टेक्नीशियन की बात करते हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में। सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको एडवांटेज मिलेगा, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें जो बॉयलर टेक्नीशियन की जो पोस्ट है इसमें 18 वैकेंसी है। टोटल दोनों वैकेंसी को मिलाकर यहाँ एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी यानी रिजर्वेशन जो कैटेगरी होती है ये डिवाइड की गई है। आप चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन में। इसके बाद बात करते हैं मेंटेनेंस टेक्नीशियन के लिए, मैकेनिकल के लिए। तो डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास मैकेनिकल में, 14 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, 17 वैकेंसी है। इसके बाद आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं। मेंटेनेंस टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन टोटल वैकेंसी 9 है इंस्ट्रूमेंटेशन में। देखिए क्वालिफिकेशन के लिए बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में। अगर ये नहीं है आपके पास तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में होगा तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर ये भी नहीं है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में अगर आपके पास है तो भी आप एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। लैब के लिए बात करते हैं तो इसमें आपसे बीएससी मांगा गया है मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री विद 60% मार्क्स इन केमिस्ट्री, और एमएससी केमिस्ट्री फर्स्ट क्लास 60% ये आपके पास होना चाहिए। 16 वैकेंसी इसमें आई है। अगर बात करते हैं जूनियर फायर की एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर की, तो साइंस से आप ग्रेजुएट होने चाहिए 40% विद वैलिड एचएमवी लाइसेंस के साथ। बात क्लियर है, 18 वैकेंसी इसमें निकलकर सामने आई है। अगर टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी 186 है। 186 पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डाउट की, जहां पर स्टूडेंट को सबसे ज्यादा डाउट होता है। तो किसके बारे में बात करेंगे? तो नोटिफिकेशन में जो मेंशन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए यहां पे, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्वालिफाई एग्जामिनेशन। तो बात क्लियर हो गई कि यहां पर आप अपेयरिंग वाले स्टूडेंट जो है वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते, आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद ऑल द क्वालिफिकेशन शुड बी फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए, फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। पार्ट टाइम और डिस्टेंस मोड में जो स्टूडेंट कोर्स करते हैं वो एलिजिबल नहीं है। बात क्लियर है। आगे देखिए, एक्सेप्ट यानी पोस्ट जो है, अगर किसी पोस्ट के बारे में बात करते हैं, जूनियर फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर की पोस्ट को छोड़ दे तो आपके पास बिलोंग करते हैं अगर जनरल कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर से, तो शुड हैव सिक्योर्ड मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, सेमेस्टर वाइज हो या ईयर वाइज हो। बात क्लियर हो गई, डिप्लोमा हो या डिग्री हो। और 50% किसके लिए होने चाहिए? 50% एससी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के और पीडब्ल्यूडी के लिए यानी फिजिकल हैंडीकैप जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए। मिनिमम एज की अगर हम बात करते हैं, एज लिमिट के लिए अगर हम बात करते हैं तो मिनिमम 18 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी जो एज होनी चाहिए वो 25 ईयर होनी चाहिए। आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो की जाएगी 1/4/2022 से। बात क्लियर हो। अब बात करते हैं हायर क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट के लिए कि हायर क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हायर क्वालिफिकेशन,
एज सच एज डिग्री इन इंजीनियरिंग आर नॉट एलिजिबल। तो हायर क्वालिफिकेशन वाले जो स्टूडेंट है वो भी इस फॉर्म पर अप्लाई नहीं कर सकते, केवल डिप्लोमा होल्डर ही इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी जो आपकी होने वाली है वो 55,000 के आसपास होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी एनसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो फीस रखी गई है 590 रुपये फीस रखी गई है, प्लस जीएसटी आपको देना होगा। उसके बाद एससी एसटी एंड जो पीएच कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीबीटी होगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो आपका एग्जाम कंडक्ट होगा ये 22 सिटी में कंडक्ट होगा इंडिया की। बात क्लियर है। इसके बाद जैसे ही आप सीबीटी क्वालिफाई करते हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। किसके लिए बुलाया जाएगा? कैंडिडेट क्वालिफाई इन द सिटी इन द सीबीटी विल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट। बात क्लियर है। स्किल टेस्ट होने के बाद अगर आप स्किल टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर बात करते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप डिफेक्टिव कलर विजन की प्रॉब्लम अगर आपको है तो आपको क्या कर दिया जाएगा? डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखिए यहां पर कि पॉइंट नंबर 2 जनरल इंस्ट्रक्शन द लास्ट डेट की अगर बात करते हैं, देखिए एज की बात करें या एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो भी इन्होंने मांगा है डिप्लोमा आपसे मांगा गया है, एज जो आपसे मांगी गई है इतनी एज आपकी होनी चाहिए वो 1/4/2022 से काउंट की जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि आप जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। सबसे पहली बात यह हो गई, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। कैंडिडेट नीड टू अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट। एक पोस्ट के लिए ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है एक्सेप्ट किसको छोड़कर? बॉयलर टेक्नीशियन एंड मेंटेनेंस टेक्नीशियन मैकेनिकल ट्रेड वाले। क्यों? क्योंकि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फॉर ऑल द पोस्ट या पोजीशन विल बी कंडक्ट ऑन द सेम डेट, यानी आपके जो भी एग्जाम होंगे जिस भी पोस्ट के लिए होंगे वो सभी पोस्ट के लिए आपके एग्जाम सेम डेट पर होंगे और सेम टाइम पर आपके होने वाले, इसलिए आप एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आपका जो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जॉब कहाँ मिलेगी? तो आपको ऑल इंडिया जॉब मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया में आपको जॉब मिल जाएगी। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 15 पर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।